जमिक ऑर्गेज रफ रेटिकुलम। फर्स्ट द कंटेंट्स रफ एंडोप्लाटिकलम समूथ रेटिकुलम एंड द फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चूं से अगर हम दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ रफ एंडोप्ला रेटिकुलम। फर्स्ट पार्ट में हमने इसका स्ट्रक्चर देखा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकलम जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है उसकी लोकेशन क्या है और ये किस तरह से जो सेल के अंदर कहाँ कहाँ फैला तो ओवरऑल जनरली हमने देखा कि वो तमाम सेल के अंदर राइट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है एक एक नेटवर्क ऑफ जो है वो ट्यूब्यूल जो है फैला हुआ है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है दैट इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो बेसिक डिफरेंस है वो है प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और चूँकि सरफेस पे राइबोसोम्स अटैच हैं सो देयर अपीरेंस इज इज़ अ रफ तो एक रफ अपीरेंस आती है जिसकी वजह से उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंपली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स एबसेंट होते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अगर राइबोसोम्स एबसेंट है तो हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे क्योंकि उसकी अपीरेंस जो है वो क्या होगी कि ग्रैनुलर नहीं होगी बल्कि बिल्कुल स्मूथ अपीरेंस जो वो होगी हमारे पास हेयर इन दिस डायग्राम रफ और स्मूथ एंडोप्लाज रेटिकुलम का डिफरेंस जो वो क्लियर किया गया है अगर आप रफ एंडोप्लाज रेटिकुलम की डायग्राम को देखें तो इसमें जो सिस्टरनी है राइबो जिसकी एंडोप्लाज रेटिकलम की इसकी सर्फिस के ऊपर आपको डॉटेड फॉर्म में राइबोजोम्स नज़र आ रहे हैं और ये राइबोजोम्स की वजह से हमें इसकी एक ग्रैनुलर अपीरेंस जो है उसके ऊपर ग्रेन्यूल्स नजर आते हैं या फिर एक रफ अपीरेंस देंगे ये जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मेटिकलम के ऊपर इसी तरह से कोई भी जो राइबोसोम्स हैं वे प्रेजेंट नहीं है और इसकी जो अपीरेंस है वो बिल्कुल सरफेस की बिल्कुल एक स्मूथ फॉर्म में हमें नज़र आती है तो इसी वजह से हम जो रफ़ और स्मूथ के नेम है वो बेसिकली अपीरेंस और एबसेंस ऑफ राइबोसोम्स हैं जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट है वो रफ़ है जिस पर एबसेंट है, है, है मौजूद नहीं है दे आर दी स्मूथ एंडोप्लाज रेटिकुलम लेकिन इसके साथ साथ इनके फंक्शंस में भी अच्छा खासा डिफरेंस जो आ जाता है वाट इज द रोल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द सेल दे आर डिफरेंट रोल्स ऑफ एंडोप्लाज रेटिकलम इन द सेल द फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल स्पोर्ट अब चूंकि जो एंडोप्लाज रेटिकलम है दे आर अटैच और दे आर प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेब्रेन एंड द सेल मेब्रेन तो इस तरह के दरम्यान में जब ये एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स मौजूद है तो इट इज़ प्रोवाइडिंग मैकेनिकल स्पोर्ट टू द सेल चूंकि जो साइटोप्लाज्म है वो लिक्विड फार्म में है तो इस तरह से उसके दरमियान ये एक किस्म का क्या है कि एक नेटवर्क जो है एक स्पोर्ट uh, का काम का 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 करेगा जी सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ़ एंडोप्लाज रेटिकलम इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द सेल अब चुक बिकॉज दे आर आकोपाइंग मोस्ट एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे इलाकों में फैले हैं तो जहाँ भी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है तो एंडोप्लाज रेटिकलम के ल्यूमिन के अंदर से क्या किया जा सकता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोटीन्स को अदर मालिक्यूल्स को क्या किया जाएगा ट्रांसपोर्ट किया जाएगा इसके सिंपल से एग्जाम्पल ये है कि जब प्रोटीन सेन्थिसाइज होती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एक तरफ सेंथिसाइज होगी वहां से एंडोप्लाज रेटिकुलम के अंदर ही अंदर दूसरी तरफ मूव करेगी देन जो प्रोटीन मालिक्यूल है वो वेजिकल में पैक होकर गॉल्जी ऑपरेटर्स को भिजवा दिया जाता है इस तरह से डिफरेंट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल जी स्टोरेज ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन डिफ अब इव लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए हमने कहा था कि बेसिकली एंडोप्लाजो रेटिकलम की जो बनाने वाले जो ट्यूब्स हैं वो शीथ लाइक -like हो सकती हैं या वेजिकल शेप हो सकती हैं अब वो शीथ लाइक स्ट्रक्चर या वेजिकल स्ट्रक्चर -like के अंदर जो कैविटी है जो ल्यूमेन है उसके अंदर बहुत सारी प्रोटीन्स को स्टोर किया जाएगा और प्रोटीस के अलावा जो बाकी मालिक्यूल्स हैं वो भी स्टोर जो है होते हैं डिफरेंट एंजाइम्स हैं स्पेशली वो एंजाइम्स जो सेल के अंदर बनते हैं लेकिन उन्होंने सेल से बाहर ट्रांसपोर्ट होना है जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहते हैं जिस तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स हैं तो जिन सेल्स के अंदर ये एंजाइम्स बनते हैं उन उनमें वक्ती तौर पर ये एंजाइम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर कर लिए जाते हैं ओके द फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द लिपिड सिंथेसिस ये जो टिपिकल काम है ये बेसिकली है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं दे आर इन्वॉल्व इन द दायोसेंथिस ऑफ लिपिड मालिक्यूल्स लिपर्ड मालिक्यूल के इन्वॉल्व हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एंडोप्लाजिक रेटिकुलम इज द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ड्रग्स या और एंड जो भी हम ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स इनटेक करते हैं और वो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं होते तो वो जैसे हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं जर्म्स को किल करते हैं हमारी बॉडी में लेकिन बाय द एंड ये एंटीबायोटिक्स जो है इनको डिग्रेड किया जाता है विद इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इसको डिग्रेड किया जाएगा कैल्शियम आयन स्टोरेज कैल्शियम आइंस जो कि हमने अगर हम देखें तो द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कैल्शियम आइंस इज़ टू फार वर्क फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स कि मसल्स जो हैं वो कैल्शियम आयन की मौजूदगी में ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इनकी एबसेंस में कंट्रैक्ट नहीं करते हैं. अब सेल के अंदर जब मसल्स को कंट्रैक्ट करना है तो कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म में रिक्वायर है साइटोसोल के अंदर लेकिन जब मसल्स ने या सेल्स ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है तो ये कैल्शियम आयन वापस डिपॉजिट कर लिए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या है कि कैल्शियम आयन का एक रेजर है कि जब मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना होगा वहाँ से रिलीज कर दिए जाते हैं जब मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना होता तो कैल्शियम आइन्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर स्टोर किया जाता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओवरऑल अमाउंट है सेल के अंदर वो सेल्स जिनका स्पेशली सिक्रीशन से रिलेवेंट काम ज़्यादा है जैसे डिफरेंट डिफरेंटायम्स क्रिएट करने वाले जो सेल्स हैं या फिर वो सेल्स हैं जिसमें मसल कंट्रैक्शन वगैरह जैसे होते हैं तो इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बड़े वेल well डेवलप्ड होते हैं जो सेल सिक्रेशन में इन्वॉल्व हैं या फिर मसल कंट्रैक्शन वगैरह में इन्वॉल्व हैं तो सेल टू सेल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अमाउंट वेरी करती है